कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी पर रविवार देर रात हरिहर का मिलन हुआ। इस दौरान सवारी देखने आए लोगों ने प्रतिबंध के बावजूद जमकर पटाखे और हिंगोट एक दूसरे पर छोड़े। आतिशबाजी से पटनी बाजार में एक घर में आग लग गई। इसके बाद यहां तैनात पुलिस एक्शन में आई है। आतिशबाजी करने वालों पर लाठीबाजी, इस दौरान करीब 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। रात करीब 11 बजे महाकाल मंदिर से सवारी में लाव लश्कर के साथ भगवान महाकाल गोपाल मंदिर में हरि मिलन के लिए निकले। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद मिली छूट के बाद साल में एक बार रात में निकलने वाली बाबा की सवारी में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान गुदरी चौराहे से लेकर गोपाल मंदिर तक कई लोग सड़क पर आतिशबाजी कर हिंगोट चलाते रहे, जिससे कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग घायल होते होते बचे। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, एडीएम संतोष टैगोर, एसपी सतीन शुक्ल, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, सीएसपी विनोद कुमार मीणा, टीआई मुनेन गौतम समेत आला अधिकारियों ने लोगों को समझाया। इसके बाद भी कई लोग नहीं माने और पटाखे से पटनी बाजार स्थित एक घर में आग लग गई। रहवासियों ने तत्काल पानी डालकर आग बुझा दी। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आतिशबाजी कर रहे लोगों को दौड़कर पीटा। एडीएम संतोष टैगोर ने सुरक्षा की दृष्टि से भगवान महाकाल की रात्रि में निकलने वाली सवारी के दौरान होने वाली आतिशबाजी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। एसएसपी सतीन शुक्ला ने बताया कि प्रतिबंध के बाद भी लोग नहीं मान रहे थे। आतिशबाजी कर रहे लोगों पर कार्यवाही की गई। करीब 6 लोग को हिरासत में लिया गया है। शांति बनाए रखे। आज सभी से